नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मृति आपका अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करती हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर एक्विक कंपनी द्वारा बनाए गए एक होम्योपैथिक पेटेंट R33 के बारे में, जो कि एपिलेप्सी के अटैक्स के समय में काम आता है। अगर आप लोगों को एपिलेप्सी की शिकायत है, दौरे पड़ते हैं, तब आप R33 का सेवन कर सकते हैं और दौरे पड़ने से रोक सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ डल के ये बना हुआ है और किन सिम्टम्स में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही जानेंगे कि इसकी डोसेज क्या रहनी चाहिए। उस सबसे पहले, आप लोग अगर हमारे वीडियोस पसंद करते हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आने वाले हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ से अपडेटेड रहें। होम्योपैथी की कोई भी दवाई जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर नहीं लेनी चाहिए, अदरवाइज आप लोगों को एग्रावेशन हो सकता है। जब भी कोई मेडिसिन लें, अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। आइए जानते हैं R33 जो है वो किन किन सिम्टम्स के दौरान यूज़ की जाती है। अगर आप लोगों को दौरे पड़ते हों, आप एकदम से अनकॉन्शियस हो जाते हों और उसके कारण आप बेहोश हो जाते हों, साथ ही आप लोगों के मसल्स के अंदर ट्विचिंग होना शुरू हो जाए या फिर स्टिफनेस हो जाए, आपका शरीर अकड़ना शुरू हो जाए, और अगर आप लोगों की आंखें जो हैं वो भी डायलेटेड रहने लगे, तब आप इस दवा का सेवन कर सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा अक्सर होता है तो आप लोग R33 लेके अपने इन सिम्टम्स को रोकने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के एपिलेप्टिक जो फिट्स पड़ रहे हैं वो पड़ने बंद हो जाएं। ये आइए जानते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें डली हुई हैं। सबसे पहले इसके अंदर डली हुई है ब्यूफोज, जो कि आप लोगों के एपिलेप्सी के अगेंस्ट काम करती है। अगर आप लोगों को फिट्स पड़ रहे हैं, आपका शरीर अकड़ता है, आप लोग बेहोश हो जाते हैं, बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाते हैं, अपनी सुध-बुध खो देते हैं, आप लोगों को पता नहीं लगता कि आपके उस टाइम पीरियड के अंदर आपके साथ क्या हुआ, और तब आप ऐसी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्यूफो लेकर आप अपने इन सिम्टम्स को आगे आने वाले टाइम में आने से रोक सकते हैं और अपने एपिलेप्सी फिट्स जो पड़ रहे हैं उन्हें रोका जा सकता है। अगर आप लोगों को ऐसी शिकायतें हो रही हैं, तब आप ब्यूफो का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये R33 के अंदर डली हुई है, और R33 लेकर भी आप अपने एपिलेप्सी फिट्स जो पड़ रहे हैं उनको आप रोक सकते हैं, आपको कन्वल्शंस जो हो रहे हैं उन्हें रोका जा सकता है। इससे अगली दवा इसके अंदर डली हुई है क्यूप्रम। काफ़ी सारे लोगों को जब अटैक्स पड़ते हैं, एपिलेप्सी के अटैक्स आते हैं, उस दौरान उनकी मसल्स के अंदर ट्विचिंग होती है और क्रैम्प्स पड़ते हैं। जब आप लोगों को क्रैम्प्स पड़ रहे हों, स्पेशली अगर वो थाइस के अंदर पड़ रहे हों, तब आप क्यूप्रम का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने उन क्रैम्प्स को रोक सकते हैं। साथ ही जो आप लोगों के शरीर के अंदर वो अकड़ाहट आ रही है, उसे भी रोका जा सकता है। और अगर आप लोग कभी भी एपिलेप्सी के फिट्स आपको आते हों, उससे रोकने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यूप्रम जो है R33 के अंदर डली हुई है। इससे अगली जो मेडिसिन इसके अंदर डली हुई है वो है पल्स। पल्स जो है ऐसे लोगों को ज़्यादातर दी जाती है जो ज़्यादा दुखी रहते हैं और अपनी कोई भी बात रोए बगैर ना बता पाते हों। ऐसे लोगों को अगर एपिलेप्टिक फिट्स पड़ते हों, तब आप पल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोगों को बाहर की खुली हवा में रहना पसंद हो, नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार हो और उनके जो सिम्टम्स हैं, अगर वो बाहर खुली हवा में जाकर ठीक होते हों, तब पल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। और पल्स जो है वो R33 के अंदर डली हुई है। तो अगर आप लोगों को एपिलेप्टिक फिट्स पड़ रहे हैं और ऐसे लोगों को आ रहे हैं जो कि खुली हवा में रहना पसंद करते हों और जिनका रोना छोटी छोटी बात पे निकल जाता हो, वो पल्स का यूज़ कर सकते हैं। R33 लेके अपने एपिलेप्टिक फिट्स में आराम पा सकते हैं। इससे अगली दवा इसमें सिलीशिया डली हुई है। सिलीशिया जो है वो कन्वल्शंस के समय दी जाती है। यूजली सिलीशिया जो है वो एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा असर करती है जिन्हें ठंड बहुत ज़्यादा लगती हो, जो बहुत ज़्यादा ठंड को मानते हों और अपने आप को बहुत ज़्यादा कपड़ों से कवर करके रखते हों। ऐसे व्यक्तियों को अगर कन्वल्शंस हो जाएं, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही अगर आप लोगों को स्किन की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती हैं और साथ में आप लोगों को एपिलेप्टिक फिट्स भी आते हैं, और अगर आप लोगों के पैरों में पसीना पहले बहुत आता था और अब वो किसी कारणवश
सप्रेस हो गया है, उसकी वजह से आप लोगों को एपिलेप्टिक फिट्स आने शुरू हो गए हों, तब आप सिलिशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने सिम्टम्स में आराम पा सकते हैं। और ये जो सिलिशिया मेडिसिन है ये आपके R33 के अंदर डली हुई है। इससे अगली दवा डली हुई है जिंकम। जिंकम जो है वो आपके कन्वल्शंस में या एपिलेप्टिक फिट्स में अच्छा काम करती है। अगर आप लोगों के सिम्टम्स आ रहे हों, अकड़ाहट आ रही हो, बेहोश हो रहे हों, चक्कर भी साथ में आते हों, तब आप जिंकम का यूज़ कर सकते हैं और अपने जो फिज़िकली वीकनेस आ रही है उसको भी ठीक कर सकते हैं। ये दवा भी आप लोगों की R33 के अंदर डली हुई है। तो अगर आप लोगों को ये सब शिकायतें हो रही हैं तब आप R33 का सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस दवा का सेवन कितना करना चाहिए, इसकी डोसेज क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप लोगों को ये शिकायत आ रही है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस दवा का यूज़ करें, क्योंकि अकेली यही दवा नहीं है जो आपके एपिलेप्टिक फिट्स में यूज़ की जाएगी। इसके अलावा कई बार आप लोगों को और कोई ट्रीटमेंट भी शुरू करना पड़ सकता है। आप लोगों के सिम्टम्स देख के ही दवा जो है दी जाती है। और अगर हम इसकी डोसेज की बात करें तो यूजली आप इसका सेवन 3 बार कर सकते हैं। आप दिन में 3 बार इसको यूज़ कर सकते हैं। एक टाइम पे आप 10 से 15 बूंदें 1/4 कप पानी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें ताकि आप लोगों को किसी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट या एग्रावेशन का सामना ना करना पड़े। और अगर आप हमसे कोई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहते हैं या किसी प्रकार की कोई सलाह करना चाहते हैं, कोई एडवाइस चाहते हैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ड्रॉप करके हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। या अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर हमसे मैसेज ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही हों तो इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।